नमस्कार, मैं रानी सिंह, इको प्रणिया में आपका स्वागत है। जमशेदपुर में साइबर क्राइम को रोकने को लेकर तमाम बैंक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक एसएसपी एम तमिलवानन ने किया है और इस दौरान सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, सीसीआर, डीएसपी, साइबर पुलिस के साथ तमाम बैंकों के अधिकारियों और पदाधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी ने बैंक अधिकारी को सलाह दिया कि जितने भी बैंक या एटीएम है वहाँ हाईटेक कैमरा लगाएं, साथ ही ये तय करके चले कि किसी भी ग्राहक को साइबर अपराधी अपने जाल में न फंसा सके और जितनी भी छोटी बड़ी टेक्नोलॉजी है बैंकों में उपलब्ध कराए ताकि ग्राहकों को किसी तरह से परेशानी नहीं हो। वहीं भुक्तभोगी लोगों के पैसे बैंक में कैसे रिफंड कराती हैं और क्या उसका क्या प्रोसेस है उसे पूरा करने को कहा है। वहीं आम लोगों से अपील की है कि कोई भी उनको फ़ोन के ज़रिए अगर लालच देता है तो उसके झांसे में ना आए और ना ही एटीएम से पैसे निकालते समय किसी की मदद ले। जिला में बैंक ब्रांचेस हैं, उनके जो सीनियर मैनेजर हैं, उनका चीफ मैनेजर है और एसबीआई का जो रीजनल मैनेजर है, ये सभी लोगों के साथ हम लोग एक मीटिंग किए हैं। जनरली साल में हर क्वार्टर में हम लोग एक मीटिंग करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन के लिए और ये कोविड के चलते हम लोग को पिछले 7-8 महीना में नहीं मिल पाए, तो आज हम लोग उसमें मीटिंग किए। मुख्य तौर पर बैंक और पुलिस के बीच में हम लोगों को कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, कैसे मदद करें, उनको क्या सिक्योरिटी हम लोग दे सकें, उसमें डिस्कस हुआ। और उसके अलावा आज के जो है, आजकल में काफ़ी प्रॉब्लम वाला जो साइबर क्राइम में किसी का पैसा ठग होने पे, जो बैंक की तरफ से तो क्या उनको लिख के देते हैं, बैंक पैसा रिफंड कैसे करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, किसी एटीएम में ये सब चीज़ में डिस्कशन हुआ। इसमें जो जो चीज़ बैंक मैनेजर की तरफ से करना है हमने आग्रह किए हैं कि वो बिना मतलब समय वेस्ट करते हुए अपना कर लें। यदि उनके लेवल पे नहीं है, ऊपर लेवल पे बात करना है, किसी दूसरे स्टेट के ब्रांच से उनको कोऑर्डिनेट करना है, तो वो भी बिना समय वेस्ट करते हुए कस्टमर के हित में, विक्टिम के हित में काम करने के लिए हम लोग ये किए हैं। और उम्मीद है कि जो भी इसमें छोटा छोटा इशूज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग या लिखा पढ़ी करने में कुछ इश्यूज हो, इसमें एक उनके तरफ से लाइसेंस ऑफिसर है, एक हमारा तरफ से डीएसपी है साइबर के, तो इन लोग को एक आमने सामने बात भी हो गया है ताकि हम लोग को कोऑपरेशन बेटर रहे और इसमें साइबर क्राइम में हम लोग अच्छा काम कर सकें। तरह की होती है, जैसे एटीएम में क्लोनिंग होती है, तो एटीएम में इनके द्वारा बताया गया है कि नया एटीएम मशीन लगने वाला है जो कि इसमें अलार्म सिस्टम होती है, कोई भी जाके कोई करते हैं तो तुरंत ब्रांच को जो है कवर पहुँचाती है। और इसके अलावा जो हमारा सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, हम लोग बोले कि सीसीटीवी कैमरा को थोड़ा अच्छी पिक्सल वाला यूज़ करने के लिए बताया गया था और सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मांगने पे समय लगती है कहीं कहीं, उसके भी समय को कम करने के लिए बोला गया है। और इसके अलावा जो भी गार्डेड एटीएम्स है या जो भी गार्ड का इन्होंने टाइम टू टाइम उनको जो वेरीफाई कराना है उसका भी ज़रूरत है। जो नॉन गार्डेड एटीएम है उसको हम लोग रैंडमली चेक करने के लिए हम लोग इनको निर्देश दिए हैं और पुलिस भी उनके साथ मिलके अपना जो भी जगह पे उसमें जाके चेक करेंगे। और ये भी इनको कि जब भी पैसा रिफिल करने के लिए जाते हैं उस समय एटीएम पे लोग पुनः पूरी तरफ से चेक भी करते हैं, तो उसको भी हम लोग निर्देश दिए। इसमें आप लोगों से अपील यही है कि कोई भी आदमी फ़ोन करके पूछता है आपके ओटीपी वाले या बोलता है कि आपका अकाउंट आज खत्म होने वाला है, उसको रिवाइव करते हैं, किसी भी चीज़ का अपना बैंक संबंधित कोई भी चीज़ में कोई भी बंदा फ़ोन करता है तो उसको कृपया आप कुछ भी जवाब ना दें। और यदि आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो फिर एटीएम के अंदर आपके अलावा किसी आदमी को नहीं साथ में लेके जाएं। यदि आपको दिक्कत हो रही है पैसा निकालने में तो फिर उस एटीएम छोड़ के दूसरा एटीएम चले जाएं, दूसरे का सहारा नहीं लें। और इसके अलावा जो भी संबंध में फ़ोन कॉल आता है वो फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करें, जवाब नहीं दें और वो सूचना हम लोग को पुलिस को दें, देखिए वो नंबर हम लोग लेके आगे उसमें कार्रवाई कर सकें। नई ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।